हमारे में जो मर्द लोग हैं चार चार शादी करते वो भी बंद होना चाहिए। महिला की जिंदगी कितनी खराब होती है और पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो अलग। एक महिला के साथ शादी करेंगे, उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे, चार बच्चे पैदा कर लिए, इनके साथ कर लिया, उनको चार बच्चे दे दिया, मतलब चार 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 मतलब गिन लो यार कितना हो जाएगा। तो ये भी बंद होना चाहिए, एटलीस्ट हमारी महिला तो सुरक्षित रहेगी, मुसलमान हम मुस्लिम महिला तो सुरक्षित रहेंगे। ये हवसी लोग है, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं करते, सिर्फ बिस्तर के लिए महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी गलत बात है यार, महिलाओं को जूती की नोक पर रखते हैं, ये क्या हो रहा है घर में? ऐसा मैं सच कह रही हूँ, ये दिन दूर नहीं है कि जो मुस्लिम महिला है वो गैरों के साथ, नॉन मुस्लिम लोगों के साथ शादी करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो अपने घर में ही सेफ नहीं है तो क्या करेगी बिचारी। ये जो लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला कर जो बात बता रही है, महिलाओं की दर्द और पीड़ा कौन सुने कौन समझे? इनके घर वाले हिज्जत हलाला के नाम पर उनके इज्जत तार तार कर देते हैं, उनकी आवाज़ बंद कमरों में दबा दी जाती है और शौक पूरा करने एक से अधिक बीवी लाकर सैकड़ों बच्चा पैदा कर क्रिकेट टीम बनाने पर तुले होते हैं। ये कट्टरवादी इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, न ही कोई शब्द है, इनको तो केवल हवस पूरी करनी होती है। और अब मुस्लिम समाज की अधिकांश महिलाएं धीरे धीरे इन सब कुप्रथाओं का विरोध कर रही है, इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाने में परहेज नहीं कर रही है और हलाला तीन तलाक जैसे इस्लामिक कुप्रथा को बंद कराने सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। और आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या सोचते हैं इस्लामिक समाज के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें।